कंडोलॉजी चैप्टर नंबर 1 का पार्ट 6। आज हम लोग पढ़ेंगे मेथड ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आज से हम लोग अपना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना स्टार्ट करेंगे, तो उसके लिए कुछ उसका फॉर्मेट सीख लेते हैं। और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लगभग दो टाइप का होता है, एक फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट, एक फ्लक्चुएशन कैपिटल अकाउंट। यानी जिस किसी ने फिक्स्ड रुपए लगा रखे हैं तो उसका पर्सनल अकाउंट बनेगा ना, तो उसका फिक्स्ड, और जिसका फ्लक्चुएशन इसी रुपए, जैसे किसी ने एडिशनल कैपिटल लगा दी या फर्म से कैपिटल निकाल लिए अपने लिए विड्रॉ कर लिए, उसके लिए फ्लक्चुएशन बनेगा। तो कुछ देखते हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहले फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट क्या है। फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड, हेयर द बैलेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज फिक्स्ड। यहाँ पर जो बैलेंस होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का, इज फिक्स्ड है। जैसे किसी ने ए बी सी पार्टनर है, किसी ने रुपए लगा दिए 50,000, 50,000, 1,00,000, तो वो फिक्स्ड रहेंगे जब तक फर्म एंड नहीं हो जाती, यानी उनका बिल्कुल डिस्प्यूट नहीं हो जाता वो, यानी सब लोग अपने बराबर बराबर हिस्सा लेके चले नहीं जाते हैं, ठीक है। अब फिक्स्ड जो रहेगा उसके भी दो अकाउंट होते हैं, या तो वो करंट अकाउंट बनाए या अपना, या फिर करंट अकाउंट बनाए या पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाए। अगर करंट अकाउंट बनवाएगा तो उसका जो लास्ट में रुपए मिलेगा जो उसे, वो किस चीज़ में आ सकता है, वो डेबिट में भी आ सकता है, क्रेडिट में भी आ सकता है और नील भी हो सकता है। यानी कि वो फ़ायदे में भी जा सकता है, घाटे में भी जा सकता है और बराबर ही रहेगा, ठीक है। बट अगर वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएगा तो वो केवल क्रेडिट करेगा, ना कि डेबिट, और नील रहेगा, उसे डेबिट नहीं करना है। अगर करंट अकाउंट बनाएगा तो डेबिट बैलेंस भी हो सकता है, क्रेडिट भी हो सकता है, नील। बट अगर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड रहेगा तो उसे सिर्फ करंट बैलेंस और नील बैलेंस बनाना है। तो इस हिसाब से आप समझ गए कि ये फर्स्ट फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट क्या है। अब और अच्छे समझने के लिए आपको कुछ क्वेश्चंस देखने पड़ेंगे, वो हम लोग ही नेक्स्ट वीडियो में आ जाएंगे आपके पास। और इस वीडियो में मेथड ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के साथ साथ हम आपको फॉर्मेट बनाना भी सिखाएंगे, कैसे फॉर्मेट इसका तैयार होता है। अब देखते हैं अपना फ्लक्चुएशन कैपिटल अकाउंट, फ्लक्चुएशन कैपिटल अकाउंट मेथड। हियर द बैलेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज चेंज। यहाँ पर देखो सीधे सीधे लिखा है, यहाँ पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का बैलेंस चेंज होता रहता है। किसी ने एडिशनल कैपिटल लगा दी, किसी ने कुछ लगा दिया, इसलिए हिसाब से चेंज होता रहता है। इट मेंटेन, यह मेंटेन करता केवल पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, ये करंट और कैपिटल दोनों नहीं, सिर्फ पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट मेंटेन करेगा। अब इसके अंदर देखते हैं कहा है, इट मे हैव डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस एंड नील बैलेंस। यानी अब ये फायदे भी हो सकता है, घाटा भी हो सकता है और बराबर भी रह सकता है। अब आपने इसमें और करंट अकाउंट में एक चीज़ नोटिस की कि करंट अकाउंट में भी यही है कि फायदा भी है, घाटा भी है और बराबर भी है। इसमें भी यह फायदा भी है, घाटा भी है और बराबर भी है। बट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ऐसा नहीं है, और हम लोग पढ़ेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तो मोस्टली हम लोग यही पढ़ेंगे। तो हम लोग इसी का फॉर्मेट कैसे बनता है वो देख लेते हैं, फिर यही फॉर्मेट हम लोग जो आगे क्वेश्चन करेंगे उसमें ही यही फॉर्मेट आएगा। सबसे पहले फॉर्मेट बनाने से पहले P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो कुछ हम लोगों ने सीखा है वो कर लेते हैं। P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में कुछ लगभग 5 से 6 चीज़ें आती हैं, तो वो देखते हैं। सबसे पहले बाय बैलेंस, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बाय इंटरेस्ट ऑफ ड्राइंग, और कुछ भी इधर आता है और नहीं आता। एक चीज़ और आती है बाई डेबिट लॉस, ठीक है। अब देखते हैं टू साइड हम लोगों का क्या आता है। सबसे पहले आता है टू इंटरेस्ट ऑफ ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑफ कैपिटल, इंटरेस्ट ऑफ ड्राइंग इधर आता, इंटरेस्ट ऑफ कैपिटल। फिर आता है टू सैलरीज, ठीक है। फिर आता है टू कमीशन, ठीक है। फिर आता है उसके बाद टू रिजर्व, और लास्ट में टू डिविजुअल प्रॉफिट। तो ये अपना P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट है, जो मैंने आपको शॉर्ट तरीके से समझा दिया है। इससे ज़्यादा इस अकाउंट में कुछ नहीं आता है। अब देखते हैं पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट सबसे पहले बाई बैलेंस BD, यानी कि ओपनिंग, ये अपना ओपनिंग बैलेंस।
जो क्वेश्चन में स्टार्टिंग में ही दिया रखा होता है ओपनिंग एनर्जी, ये हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, अब इसके बाद क्या डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इसके बाद जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है वो हम आपको बता देते हैं क्या। इसके बाद पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम लोगों ने जो कुछ बनाया होगा वो ट्रांसफ़र कर देंगे एक इस तरफ और बाकी का इस तरफ। कैसे, सिर्फ दो चीज़ें छोड़ के, एक टू रिजर्व और बाई बैलेंस अकाउंट छोड़ के, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट छोड़ के और टू रिजर्व को छोड़ के, बाकी सब कुछ इधर का इधर और इधर का इधर ट्रांसफर कर देंगे। कैसे, टू बैलेंस टू है, टू इंटरेस्ट ऑफ कैपिटल है तो इधर लिखेंगे वाई आई ओ सी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इधर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, इधर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इधर है टू सैलरीज तो वाई सैलरीज, इधर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगी ये सारी, जिसे जिसे मिली होंगी, जिसे नहीं मिलेंगी वो खाली रहेगा। टू वाई कमीशन, टू कमीशन है तो ये वाई कमीशन, वाई कमीशन। ठीक है, टू डिविजुअल प्रॉफिट है, जो कुछ डिविजुअल कैपिटल अकाउंट निकला है तो इधर आ जाएगा वाई डिविजिबल कैपिटल अकाउंट। बैंक, अब वाई बैंक का मतलब ये होता है जैसे किसी ने कोई अपनी एडिशनल कैपिटल इसमें लगा के रखी है तो हम लोग उसको वाई बैंक इधर लिख देंगे एडिशनल ब्रैकेट में एडिशनल एड। ठीक है, वो भी ट्रांस डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। और अगर किसी ने विड्रॉ कर रखा है, अगर किसी ने विड्रॉ कर रखा है तो हम लोग करेंगे टू बैंक और विड्रॉ। ठीक है, एक चीज़ और है इसमें क्या है, बाई इंटरेस्ट ऑफ ड्रॉइंग तो हम लोग इस तरह लिखेंगे ही, और एक चीज़ और लिखेंगे बाई ड्रॉइंग, जो कुछ भी इसकी ड्रॉइंग होगी वो, तो वाई ड्रॉइंग लिखेंगे उधर तो इधर लिख देंगे हम लोग टू ड्रॉइंग। ठीक है, टू ड्रॉइंग लिखने के बाद अब हम लोग करेंगे टू बैलेंस सीडी, टू बैलेंस सीडी क्लोज, वो ओपनिंग था ये क्लोज हो जाएगा, ये हमेशा क्रेडिट बैलेंस रहेगा, क्योंकि क्लास 11th में पी एंड एल का जब भी हम लोग क्लोजिंग करेंगे यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस जब भी हम लोग करेंगे ओपनिंग तो उसका हमेशा क्लोजिंग क्रेडिट बैलेंस रहेगा। ठीक है, अब देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर, सॉरी अब देखते हैं अपना फॉर्मेट नंबर सेकंड, वो है अपना फिक्स्ड मेथड्स का। हमने आपको बताया था फ्लक्चुएशन अकाउंट और करंट अकाउंट, करंट अकाउंट सेम है यानी कि जो उसमें है वही इसमें है, तो सेम यही फॉर्मेट हम लोग करंट अकाउंट में भी बनाएंगे। यानी अपने तीन अकाउंट बनने थे, फ्लक्चुएशन करंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट हो गया फ्लक्चुएशन हो गया, अब रह गया अपना केवल फॉर्मेट किसका, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे अपना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट। ये चीज़ आप नहीं भूलना कि करंट अकाउंट और फ्लक्चुएशन अकाउंट सेम एक जैसे थे, इसलिए ये दोनों का अकाउंट एक ही रहेगा अपना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर कैपिटल मेथड। पार्टनर कैपिटल मेथड अपना क्या है, पार्टनर कैपिटल मेथड में आपने पढ़ा था कि सिर्फ क्रेडिट बैलेंस रहेगा और नील रहेगा, डेबिट बैलेंस कभी भी नहीं रहेगा। उसका रीज़न हम आपको अभी समझा देंगे क्या है, इससे आपको अच्छे समझ में आएगा। पहले आपको ये तो पता ही है, ये सारी साइड इस तरफ, ये सारी साइड इस तरफ, उसके बाद जो हम लोग कर रहा है वो ये है। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे बाई बैलेंस बी डी ओपनिंग, जैसे कि मैंने किसी बिजनेस की ओपनिंग की 10 रुपये से, ठीक है, और उसमें से मैंने 1 रुपये विड्रॉ भी कर लिया। अब 10 रुपये से कि 1 रुपये विड्रॉ कर लिया, अब मेरे पास रह गए 9 रुपये। अब हम 1 रुपये कैपिटल लगा भी दे रहे दोबारा, यानी कि वापस हमारे पास 10 रुपये रह गए हैं बैंक में। अब हम जब भी वो 10 रुपये भी डिस्ट्रीब्यूट होंगे तो डिस्ट्रीब्यूट ऐसा कर सकते हैं कि 10 5 5 डिस्ट्रीब्यूट कर दें, यानी 5 इसमें 5 इसमें। यह नहीं कर सकते कि 6 इसको मिल रहा है और 6 इसको मिल रहा है, ये डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। नील हो सकता है और कम भी हो सकता है, बट ये सोचो आपकी बैंक में 12 रुपये आ जाए, 12 कैसे आएंगे जब हमने 5 10 ही डाले हैं। इसलिए हमेशा बैलेंस जो सीडी होता है वो क्रेडिट होता है, क्रेडिट बैलेंस ही रहेगा। तो यही एक चीज़ है जो आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में अलग करती है करंट अकाउंट